आज की हमारी कहानी है मम्मी जी मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कही रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली, अगले हफ्ते पर मम्मी जी बच्चों के वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और निधि देवरानी को भी लेते जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, सुनीता जी आवाज़ लगाती हैं। जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारे बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हर समय माथा उखाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो, ना ससुर का लिहाज ना ही जेठ का, सास की तो कोई गिनती ही ना है। समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू ना सरकता है उसका। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। सुनीता जी का पल्लू पुराना एक बार फिर चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी जी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार होकर आ गई। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम होठ तक तो घूंघट करना ही, मुँह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी जी। चलो अब। खैर सुनीता जी सब परिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वो हैरान रह गई। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी साड़ी, ओपन पल्लू साड़ी पहने सबके सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर भी पल्लू ना था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू तुम भी घूंघट हटा दो, जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट ना हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए तो मैं भी हटा दूं। मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी, अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूं, ये मुझसे ना होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता जी मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात ना मानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।